नमस्कार, कोसी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको ये सुंदर सा कटिहार। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक से दो दिन बारिश नहीं हुई और रोडों पे भर गया है बरसात का पानी। यह कोई नदी या तालाब नहीं बल्कि सड़क है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कितनी मशक्कत के साथ ये लोग अपने सफर पे जा रहे हैं। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर रोड लाइन का काम जारी है, उसे भी इस बरसात से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आने जाने वाले राहगीरों को तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। यहाँ पर पैदल अगर चल रहे हैं और जूते पहने हुए हैं तो आर पार होना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आपका शूज यानी जूता जरूर भींग जाएंगे। एक नज़र दौड़ाते हैं, देखिए यह पानी की जो है सड़क पर लंबाई कितनी है और आप देख सकते हैं वहाँ जो दूर खड़े टोटो दिख रही है वहाँ से इस रोड पर पानी है और आगे आप देख सकते हैं यह है टाटा चौक यानी कि प्रधान डाक घर के पास का सड़क। आप देख सकते हैं एक से दो दिन बरसात हुई और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। ऐसा लग रहा है कि बरसात में यह क्षेत्र डूब चुकी है। सावन भादों के जैसा टाइम है, परंतु यह सावन भादों के पानी नहीं बल्कि बरसात का पानी है। आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी कड़ी मशक्कतों के बाद ये लोग अपना सफर कर रहे हैं और अपने स्थानों पर जा रहे हैं। देखिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे जलजमाव में गाड़ियों का आवागमन भी बाधित हो रही है। आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं अभी यहाँ की स्थिति कैसी है और इसका मेन वजह क्या हो सकती है, आप लोग अनुमान करें और कमेंट में जरूर बताएं। इस जल जमाव की समस्याओं का निदान कैसे होगा, आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय जरूर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।